नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्यानंद है। ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं टैग की वीडियो बना गिनती में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, हमने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर रखी है और इन फ्यूचर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी डीआर टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी डीआर टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसमें देखेंगे कि अगर आप लोग अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर आउटलुक 2010 यूज करते हो तो उसके अंदर ना बीसीसी को कैसे इनेबल कर देंगे, कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे उसको शो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा आउटलुक 2010 है, इसके अंदर मैं आपको नया मेल भेजता हूँ ना, तो यहाँ सिर्फ टू आ रहा है, सीसीसी आ रहा है, बीसीसी नहीं आ रहा। तो इसको हम कैसे इनेबल करेंगे या कैसे डिस्प्ले करेंगे, ताकि मैं जब कभी भी नया मेल टाइप करूँ तो यहाँ पर आपको टू सीसी के साथ साथ बीसीसी भी आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, न्यू मेल पे क्लिक करना है, ऑप्शन में जाना है, ये जो बी सी सी आ रहा है इसमें यहाँ पे टिक मार करना है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक। इसको आप यहाँ से बंद कर दीजिए। अब आप जब कभी भी आप नया मेल भेजिएगा तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे बी सी सी आ जाएगा, टू आ गया, सी सी आ गया, बी सी सी आ गया, ठीक है। ऑप्शन में जाके इसको टिक मार करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप आउटलुक 2010 के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 के अंदर बी सी सी को इनेबल कर सकते हो, शो कर सकते हो। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर कभी कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा, जिसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी जाते जाते मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे डीआर टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।